हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और लिबरेटेड पर यूनिट टेम्परेचर। डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो डेल क्यू क्या हो गया? इक्वल टू टी डी एस। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें क्या बताया था कि जो टोटल हीट है वो ना ही तो हम क्रिएट कर सकते ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि जो यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, उसको हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। पर जो फर्स्ट लॉ था फेल हो गया था डायरेक्शनल फ्लो को, कि जो हीट का ट्रांसिशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। और फिर सेकेंड लॉ ने डिफाइन किया जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हाई टू लो डायरेक्शन टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प। अगर हमने लो टू हाई टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर करना है तो फिर क्या होगा, किसी एक्सटर्नल मशीन का की हेल्प लेनी होगी। ये सेकेंड, तो जो यूनिवर्स के जितने भी प्रोसेस हो रहे या तो उन प्रोसेस से एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा कि जो सिस्टम की एंट्रोपी है, या फिर वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से कंक्लूजन कि जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी चेंज जो है इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, या तो कोई चेंज नहीं है या पॉजिटिव चेंज है। तो जो यूनिवर्स जो एंट्रोपी है वो भी एक तरह से डायरेक्शनल इफेक्ट को बता रही है कि सेकंड लॉ से कनेक्टेड होगी। क्यों? कि एक सिस्टम से एंट्रोपी ली, जिससे ली उसकी एक सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें उसमें जो सिस्टम है सोर्स से कनेक्टेड हो गया T1 टेम्परेचर पर, वो क्या करेगा, सोर्स से हीट Q1 ले लेगा। तो उसने सोर्स से ले ली, सोर्स की हीट कम होगी, हीट कम होगी तो उसकी रैंडम एंट्रोपी घटगी, और जो सिस्टम है जिसने ली उसकी हीट बढ़गी, उसकी एंट्रोपी बढ़गी। तो एक तरह से डायरेक्शनल इफेक्ट को एंट्रोपी भी बता रही है कि हीट कहाँ से कहाँ गई, जिसकी बढ़ी उसकी तरफ हीट गई। तो यहाँ से एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज हो रही है, तो और वो सेकेंड लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वलेंट टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है वही एंट्रोपी से निकल कर आ रहा है, कि डायरेक्शनल इफेक्ट को हम देख सकते हैं। जिसकी बड़ी ऑब्वियस है हीट उसकी तरफ गई जिसकी एंट्रोपी बढ़ी। नेक्स्ट जो है, हमें एंट्रोपी निकालनी है परफेक्ट गैस की वेरियस प्रोसेस के ड्यूरिंग। हमने 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस ले ली तो उसकी एंट्रोपी की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी। तो इस डेल क्यू की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आई है। तो यहाँ से पूरे प्रोसेस की एंट्रोपी निकाल लिए तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी, और डेल क्यू की वैल्यू रख दी हमने डी यू प्लस पी डी वी। फॉर द 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी इंटू डी टी। तो ये एक इक्वेशन आ गई जर्नल इक्वेशन। और हम अब टोटल एंट्रोपी चेंज निकालेंगे ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने ले लिया आइसोबैरिक प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो जो पी डी वी है इस इक्वेशन का, पी डी वी इसको हम, ये पी डी वी इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट डी टी। परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। आर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो यहाँ से पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी आ गया। आर की वैल्यू क्या होगी, सी पी माइनस सी वी, द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो ये वैल्यू है पी डी वी की इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट हम यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एस पी, पी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या हो जाएगी, और पूरे प्रोसेस में अगर टेम्परेचर टी वन से टी टू चेंज हो रहा है
और वॉल्यूम वी वन से वी टू, तो सी वी डी टी टी प्लस यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी सी पी माइनस सी वी डी टी, इंटीग्रेशन कर दिया लॉग की फॉर्म में आएगा सी वी, इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग ई टी टू बाई टी वन, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू रख दी इंटीग्रेशन के बाद, लॉग टी आया लॉग टी की फिर हम वैल्यू फाइनल और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू रख देंगे। तो ये जो सी वी है इसे कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इधर प्लस का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा एस पी इज इक्वल टू सी पी लॉग ई टी टू बाई टी वन, दिस इज अ चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जो ये वैल्यू है यहाँ पे टी टू टी वन की फॉर्म में, इसको हम वी वन वी टू की फॉर्म में रख भी ले सकते हैं, जब प्रोसेस आइसोबैरिक है तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो जो पी है वो भी कांस्टेंट है, आर है वो भी कांस्टेंट, तो वी बाई टी इज कांस्टेंट, तो वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू इज कांस्टेंट, तो यहाँ से जो मतलब इनिशियल पैरामीटर की वैल्यू थी जो फाइनल पैरामीटर की वैल्यू है वो आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट होंगे, उनका जो रेशियो है। तो यहाँ से T2 टू बाई टी वन क्या आ जाएगा V2 टू बाई वी वन, तो ये जो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो जो हमारी एंट्रोपी चेंज है आइसोबैरिक प्रोसेस में वो वॉल्यूम की टर्म में आ गई, यहाँ पर क्या थी टेम्परेचर की टर्म में, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में आ गई। अब हमने सेकेंड प्रोसेस ले लिया आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा उस केस के लिए डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो ये प्रीवियस इक्वेशन थी ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो होगी, ये जीरो होगी पी डॉट डी वी, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा एस वी क्या हो गया सी वी डॉट डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टी वन से टी टू, तो ये इक्वेशन आ गई चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग ए आइसोकोरिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो हमने ले लिया आइसोथर्मल प्रोसेस की, जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, तो जो इक्वेशन है यहाँ पर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो प्लस पी डी वी बाई टी। अब यहाँ पर डी वी है, यहाँ टी है, यहाँ पी है, तो जो इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी पी वी इज इक्वल टू आर टी, और यहाँ पे पी की जो वैल्यू है उसको दो की वैल्यू निकाल लेंगे और आर टी बाई पी यहाँ रख देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी आर डी वी बाई वी। अब इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई इजली कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका लॉग वी, इनिशियल और फाइनल वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया डेल्टा एस आई इज इक्वल टू आर लॉग ई वी टू बाई वी वी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इक्वेशन जो पी वी वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगी, तो यहाँ से वी टू बाई वी वन की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पी प्रेशर पैरामीटर पी वन और पी टू, तो जो ये इक्वेशन आ गई हम और आर की वैल्यू रख दी सी पी माइनस सी वी, और वी वी टू और वी 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 वन की वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पैरामीटर पी वन एंड पी टू, तो ये इक्वेशन आ गई चेंज इन एंट्रोपी एट आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पैरामीटर, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, हम इसको टी और वी की फॉर्म में भी कह सकते हैं, जो ये एंट्रोपी की इक्वेशन आ रही है इनको हम किन्हीं दो पैरामीटर के उसमें ले सकते हैं, एक को एलिमिनेट करते तो इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट आइदर वन ऑफ थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर और एक्सप्रेस द एंट्रोपी इन अदर टू। तो इक्वेशन 2.12 जो हमने निकाली थी ये 2.12 नहीं आएगा यहाँ पर 2.10.1 जो इनिशियल हम लेके चले थे ये वाली इक्वेशन है ये वहाँ पे 12 नहीं आएगा 2.10.1 ये वाली इक्वेशन
ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों उसके उसमें दी हुई है। आप भाई इसको किन्हीं दो के उसमें वो कर सकते हैं, यहाँ पे पी बाई टी की वैल्यू निकाल के रख दो, पी की वैल्यू रख दी वहाँ पर, पी की वैल्यू रख दी तो ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में होगी, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म, जो जनरल इक्वेशन हम स्टार्टिंग में लेके चले थे वहाँ से हमने प्रेशर पैरामीटर एलिमिनेट कर दिया एक बार, तो इक्वेशन किसकी फॉर्म में रहेगी, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में। फिर अगर हमने P और V की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, हमने टेम्परेचर वाला पैरामीटर नहीं लेना, तो डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, P डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, यहाँ पर पहले प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया वॉल्यूम का किया, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके प्रेशर का किया, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी, फिर R को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो dt की वैल्यू, अभी जो dt की वैल्यू है हम इक्वेशन 2.10.1 में रख देंगे, तो वहाँ अब ये वैल्यू आ गई हमारी जो कम्प्लीटली P, और इसको जो T पैरामीटर है, जहाँ पर T पैरामीटर है वहाँ पे हम P और V की फॉर्म में लेनी है, हमने T को एलिमिनेट करना है, तो जहाँ पर T पैरामीटर है इस इक्वेशन में, ये वैल्यू रखने के बाद वहाँ पे हम T की वैल्यू रखेंगे पी वी बाई आर, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है यहाँ पे T की वैल्यू रख देंगे पी वी बाई आर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी एंट्रोपी की इक्वेशन है वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में। अब हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन चाहिए P और T की फॉर्म में, P और T की फॉर्म में लाने के हमने V को हटाना पड़ेगा, V की वैल्यू क्या होगी आर टी बाई पी, और इस वजह का डेरिवेटिव करेंगे सेम उसी तरह से पी डी वी प्लस वी डी पी क्या हो जाएगा आर डी टी, तो पी डी वी की वैल्यू निकालेंगे ये आगे आर डी टी माइनस वी डी पी, और यहाँ पर हमें इक्वेशन में वी नहीं चाहिए तो जहाँ वी है वहाँ वैल्यू रख देंगे ये वाली आर टी बाई पी, और पी डी वी की वैल्यू जो यहाँ पे इस यहाँ रख देंगे यहाँ इस वैल्यू यहाँ रख देंगे पी डी वी की वैल्यू, ये पी डी वी की वैल्यू हमने फिर यहाँ रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी टी और पी की फॉर्म में। नेक्स्ट है इन लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो ये लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उनकी एंट्रोपी या तो कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो उनकी एंट्रोपी उस केस में कांस्टेंट रहेगी, जो हमें प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उनकी एंट्रोपी क्या है बढ़ेगी, तो जो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो गया, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो क्या है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एंट्रोपी कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स की क्या है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो यूनिवर्स में मैक्सिमम प्रोसेस है वो क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो नेचुरल जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो जनरल इक्वेशन है एंट्रोपी की इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की उसमें अगर हम एंट्रोपी की इक्वेशन लेते हैं तो वो क्या होगी एस इज इक्वल टू के एल एन ऑफ डब्लू, अगर सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में उसकी एंट्रोपी वो मैक्सिमम होगी, तो उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया तो वहाँ पे एंट्रोपी मैक्सिमम है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अगर सिस्टम अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इक्विलिब्रियम में आए, इक्विलिब्रियम में आएगा इट मीन्स उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, और ये जितने भी जो प्रोसेस हैं टू अटेंड अ थर्मल इक्विलिब्रियम या नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे उसमें क्या था कि एंट्रोपी बढ़ेगी, पिछले उसमें हमारा क्या आया था कि
इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल पर हो या वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो, किसी तरह का भी हो, उसमें क्या है एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हुआ कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, और यही लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड सो द एंट्रोपी और या डिसऑर्डर्ड मोशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीज।